Hey guys, welcome back to another video lecture on Arch Binance. As you can see on the screen, आज अपन बहुत 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 ही ज्यादा easy topic discuss करने वाले हैं and that is ammonotelic, ureotelic and uricotelic animals. अब जब अपन बोल रहे हैं ammonotelic, ureotelic, uricotelic animals, इससे आपको क्या समझ में आ रहा भाई? इससे आपको ये समझ में आना कि we are classifying the animals, we are dividing the animals. Now you can ask me on what basis are we classifying the animals? On the basis of primary nitrogenous waste, what they are producing, we are dividing them into ammonotelic, ureotelic, uricotelic animals. I hope this is अपन उन लोग प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं उस बेसिस पे अपन डिवाइड कर सक रहे हैं, उस बेसिस पे उन लोगों को अपन क्लासिफाई कर सक रहे हैं. नाउ व्हेन वी से नाइट्रोजनस वेस्ट, अपनी बॉडी में प्राइमरीली नाइट्रोजनस वेस्ट कहां से आ रहा है भाई? तो अपने बॉडी में देखो प्रोटीन्स रहते, न्यूक्लिक एसिड्स रहते, ये स्ट्रक्चर्स के कैटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विल एक्सक्रीट मेजरली, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेजरली थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सक्रीट करते, दे आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. एंड इस बेसिस पे अपन एनिमल्स को डिवाइड कर दे रहे. फर्स्ट विल स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट अमोनोटेलिक एनिमल्स. अब थोड़ी देर के लिए ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है दो मिनट के लिए छोड़ दो. आई विल एक्सप्लेन ओरली एंड देन इफ यू रीड दिस आउट आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाता. अमोनोटेलिक एनिमल्स जब अपन बोल रहे हैं ये वो एनिमल्स है जो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्सक्रीट करते, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. दे विल एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक एनिमल्स. अब ये जो अमोनिया है बॉडी में चीफली कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इट इज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स. स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर आप अमाइनो एसिड का देखें तो आपको समझ में आता है, ठीक है? अमाइनो एसिड अगर ब्रेकडाउन हुआ तो चीफली लाइक अमोनिया अपनी बॉडी में चीफली अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन से आता है, ठीक है? अब अमोनिया आ गया भाई अपनी बॉडी में, पहली बात तो ये समझना कि अमोनिया जो है इट इज हाईली टॉक्सिक, देयरफॉर एनिमल्स कैन नॉट रिटेन दिस इन देयर बॉडी, ठीक है? सेकेंडली इट इज सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर अगर अमोनिया को एक्सक्रीट करना बोल तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत रहती. इट विल रिक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर टू एलिमिनेट अमोनिया या फिर टू एक्सक्रीट अमोनिया फ्रॉम द बॉडी. सिंपल. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते जिनके पास वाटर अवेलेबिलिटी है एंड दे कैन अफोर्ड टू लूज लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है? लॉजिकली अगर आप सोचें तो अगर पानी लूज कर सकते, पानी लूज करने की पानी अफोर्ड कर सकते लूज करना, वो एनिमल्स ही एक्सक्रीट अमोनिया कर सकते. तो वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इफ यू रीड एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, दोस एनिमल्स आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक एनिमल्स. अमोनोटेलिज्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद वाटर. अमोनिया चीफ ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, इट इज हाईली टॉक्सिक, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. एक्सक्रीशन रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर. मोस्ट एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स एक्सक्रीट अमोनिया. एग्जाम्पल्स है बोनीफिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस. एक्वेटिक बोल रहे तो पानी है, तो पानी उन लोगों के पास है, तो पानी है तो उन लोग अमोनिया इजिली एक्सक्रीट कर सक रहे हैं. अब थोड़े एनिमल्स ऐसे रहते हैं भाई जो पानी में है जब तक अमोनिया एक्सक्रीट करते, बट डिफरेंट टाइम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आप प्रोटोप्टेरिस ले लो. प्रोटोप्टेरिस इज व्हाट? अफ्रीकन लंग फिश. इट इज अफ्रीकन लंग फिश. अब जब तक ये अफ्रीकन लंग फिश या फिर प्रोटोप्टेरिस पानी में है, इट विल एक्सक्रीट अमोनिया, ठीक है? बट जब उन्होंने एस्टिवेशन में चल जाते, ठीक है, एस्टिवेशन में चल जाते, दैट इज द टाइम दे विल एक्सक्रीट यूरिया. दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो टैटपोल लार्वा. टैटपोल लार्वा किसका लार्वा है? ये टैटपोल फ्रॉक का लार्वा है. जब टैटपोल लार्वा आपको कहाँ दिखता? पानी में दिखता. अब जब तक इन्हें टैटपोल लार्वा पानी में है, इट विल एक्सक्रीट अमोनिया, ठीक है? एंड जब एक बार इन्हें अडल्ट में फॉर्म हो जाता, अडल्ट फ्रॉग में फॉर्म हो जाता, देन इट विल स्टार्ट एक्सक्रीटिंग यूरिया, ठीक है? तो ऐसे भी एनिमल्स रहते हैं जो थोड़े टाइम के लिए अमोनिया, थोड़े टाइम के लिए यूरिया भी एक्सक्रीट करते. सो दैट वाज ऑल अबाउट अमोनोटेलिक एनिमल्स. आई होप इट वाज इजी, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया. नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं अबाउट यूरियोटेलिक एनिमल्स. जस्ट लाइक अमोनोटेलिक एनिमल्स, अमोनोटेलिक एनिमल्स में क्या बोले अपन? अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा तो अमोनोटेलिक है. वैसे यूरियोटेलिक एनिमल्स में अगर यूरिया एक्सक्रीट कर रहा तो यूरियोटेलिक एनिमल्स हो गए. अब ये जो यूरिया है अमोनिया को कंपेयर करें तो उन्हें लेस टॉक्सिक है एंड इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर. तो ये यूरिया कौन एक्सक्रीट करते भाई? ये यूरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी है बट लिमिटेड है. उन लोग पानी लूज करना एफर्ट कर सकते बट इतना ज़्यादा नहीं कि जितना अमोनिया को लूज करने रिक्वायर्ड रहता, ठीक है? तो ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स कैन एक्सक्रीट यूरिया. तो इसका एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है? इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास पानी रहता एंड थोड़े हद तक उन लोग पानी लूज करना भी एफर्ट कर सकते, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूरिया एक्सक्रीट करते. एंड फर्स्टली अपने बॉडी में अमोनिया ही कन्वर्ट होता एंड जब उन लोगों को मालूम रहता कि अमोनिया अपनी बॉडी नहीं एलिमिनेट कर सकती, इतना पानी नहीं प्रोड्यूस कर सकती अपनी बॉडी में, सो दिस अमोनिया converted into urea and the process of conversion ek cycle mein convert hota hai urea and that is called as the urea cycle. And ye jo urea cycle hai wo liver mein take place hota hai and jo bhi urea produce hota hai wo apne blood mein aa jata and blood agar aap urine formation ka video dekhe blood is filter out hota and blood se hi waste material nikalta to waisa urea apne body se excrete out ho jata. Simple. Now let's give a reading here.
तो एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड द सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल्स. ठीक है, दिस इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. ये अमोनिया है, अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू लेस टॉक्सिक यूरिया, कन्वर्जन हो रहा है इधर एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल एंड दिस विल टेक प्लेस इन द लिवर. ऑल राइट, लेस वाटर रिक्वायरमेंट दैट इज वॉट वी हैव डिस्कस्ड. एग्जाम्पल्स है इलास्मोब्रांक, एम्फीबियंस एंड मैमल्स. अब इलास्मोब्रांक्स क्या है? मराइन फिशेस है. अगर आप ऑस्मो रेगुलेशन का वीडियो देखे, ये लोग मराइन एनवायरमेंट में रह रहे हैं, हाइपाटोनिक एनवायरमेंट में रह रहे, तो उन लोगों को ना वाटर कंजर्व करना जरूरी रहता है इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर होमियोस्टेसिस. तो ज्यादा पानी उन लोग, अमोनिया को जितना पानी लगता है एलिमिनेट करने, उतना पानी उन लोग नहीं अफर्ट कर सकते बॉडी से लूज करना. एंड दैट इज द रीजन वाई इलास्मोब्रांक्स दो पानी में रहते उन लोग यूरिया एक्सक्रीट करते. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट है जी यूरियोटेलिक के बाद अपने पास यूरिकोटेलिक एनिमल्स. तो जस्ट लाइक अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक एनिमल्स, अगर एनिमल यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहा है एज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स. अब ये यूरिक एसिड जो है, दिस इज लीस्ट टॉक्सिक वेन कम्पेयर टू अमोनिया एंड यूरिया. एंड इन्हें ना पानी में इंसॉल्यूबल रहता है, जिसकी वजह से लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर से उन लोग यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. अब कौन से एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर सकते भाई? अब जो एनिमल्स ड्राई एनवायरमेंट्स में रह रहे, जिनको अपने बॉडी में वाटर कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, दे जस्ट कांट एफर्ट टू लूज वाटर. यूरिया एक्सक्रीट करने में जितना पानी लगता है, उन लोग उतना पानी भी नहीं एफर्ट कर सकते. वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर उन लोग एफर्ट कर सकते लूज करना, दोज एनिमल्स विल एक्सक्रीट यूरिक एसिड. एंड जो यूरिक एसिड उन लोग एक्सक्रीट करते, दे विल एक्सक्रीट इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स विद द मिनिमल लॉस ऑफ वाटर. सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स. ड्राई कंडीशंस में जो एनिमल्स रहते उन लोग एक्सक्रीट करते, हैव टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी एंड दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड क्रिस्टल्स विच आर नॉन टॉक्सिक एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर. देयरफॉर इट कैन बी रिटेन इन द बॉडी फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम. तो सिंस दिस इज लीस्ट टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक, इट कैन बी रिटेन इन द बॉडी फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेटर it can be eliminated. Examples, birds, reptiles, insects, land snails, ye animals uric acid excrete karte. So I hope दिस वॉज क्लियर. एंड यूरिक एसिड भी यूजली पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है. बर्ड्स का अगर आप देखें, व्हाइट एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में उन लोगों का रहता, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता उनका व्हाइट एंड ग्रीन कलर का रहता, तो व्हाइट कलर का जो रहता दैट इज बेसिकली यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल. इफ इट वॉज, गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.